सब्सक्राइब कीजिए डेली टैलेंट लर्निंग चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, अपना परसेंटेज टॉपिक चल रहा था और उसके अपने 6 पार्ट पूरे हो चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज टॉपिक का 7वां पार्ट। इस पार्ट में हम बात करेंगे आय व्यय से संबंधित क्वेश्चनों के बारे में। आय व्यय से जितने भी क्वेश्चन अपने पॉसिबल हैं उन क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चनों की शुरुआत करने से पहले अपने को पता होना चाहिए कि आय व्यय के क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें अपने को दी हुई होगी और किस किस टाइप के क्वेश्चन अपने के पॉसिबल होते हैं। तो एक तो बेसिक सा क्वेश्चन होता है, यदि मान लो कि आपको क्वेश्चन इस प्रकार से बोल दें कि मान लो कि कोई व्यक्ति है वह अपनी मासिक आय का 70% खर्च करता है। कोई व्यक्ति है अपनी मासिक आय का 70% खर्च करता है, तो हम ये बोल देते हैं कि मान लो कि आय कितनी थी उसकी, 100 रुपए थी। मान लो कि वह कमाता है 100 रुपए, 100 रुपए में से वह खर्चा कितने का करता है, 70% करता है। इसका मतलब 100 रुपए में से 70 रुपए खर्च कर देगा। यदि 100 रुपए में से 70 रुपए खर्च करता है तो बचत कितने रुपए की होनी चाहिए। तो हमने बोला कि 100 रुपए में 70 रुपए खर्च करने का मतलब बचाएगा कितने, 30 रुपए कमाएगा, बचाएगा या 30% बचाएगा। तो आपने बोला कि यदि आय 100 रुपए थी तो खर्चा 70 का हो गया, तो बचत कितने की होगी, 30 की। तो यहाँ से अपने को ये पता चलता है कि जो आय होती है, जो भी अपनी आय होगी, तो आय का आय बराबर हो जाएगा, आय किसके बराबर हो जाएगी, आय होगी 100, और 100 कब मिलेगा, जब 70 को और 30 को जोड़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि आय का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि खर्च प्लस अपने को क्या करना पड़ेगा, बचत, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो आय का फॉर्मूला हो जाएगा खर्च प्लस बचत। यदि मैं आपसे बोलता हूं कि कोई व्यक्ति अपनी मासिक आय का 60% खर्च करता है, 60% खर्च करता है, इसका मतलब कितना हो गया कि आप बोलोगे 100 रुपए में 60 रुपए खर्चा कर दिया, तो बचत कितने की होनी चाहिए, 40 रुपए की होनी चाहिए। अब इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे, ये तो बेसिक वाला क्वेश्चन था, इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे वो सेल्स का सबसे रिलेटेड होते हैं। क्वेश्चन में आपको बोल देगा कि कोई व्यक्ति अपनी मासिक आय का 40% खर्च करता है, फिर आगे बोलेगा शेष का भी बोल सकता है या बची हुई आय का, या तो बोलेगा शेष का या फिर बोल देगा बची हुई आय का। कोई व्यक्ति अपनी मासिक आय का 40% खर्च करता है, आगे बोलेगा शेष का या फिर बची हुई आय का। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं वो अच्छे लेवल के होते हैं, इसमें थोड़ा थोड़ा चेंज करता जाएगा, लैंग्वेज को चेंज करता जाएगा और उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाता जाएगा। तो हम इन क्वेश्चनों की बात करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी शेष का शब्द से कोई क्वेश्चन आता है, जब भी शेष का शब्द से या बची हुई आय से कोई क्वेश्चन आता है, तो हम उसको दो तीन प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। एक तरीका होता है क्वेश्चन को सो मान के सोल्व कर लो और आगे आगे बढ़ते जाओ, एक तरीका होता है रेशियो मेथड लगा दो, और एक तरीका होता है कि एक्स मान के या बेसिक तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो क्वेश्चन से ही हम इसकी शुरुआत कर लेते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन नंबर एक आपके स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन आपसे बोल रहे हैं, राम अपनी मासिक आय का 20% अपनी घरेलू आवश्यकताओं पर खर्च करता है। 20% खर्च कर रहा है, वो किस पे करा था, घरेलू आवश्यकताओं पर। आगे बोला गया है शेष आय का, और मैंने आपको बोला है कि क्वेश्चन जब भी शेष आय का आ जाए तो हम या तो रेशियो मेथड से बनाएंगे या फिर बेसिक तरीके से एक्स मान के बनाएंगे। यदि आप एक्स मान के क्वेश्चन को बनाते हो या टोटल आय को एक्स मानते हो फिर क्वेश्चन को बनाते हो, तो आप 2-4-5 सेकंड में क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। और यदि रेशियो मेथड से भी बनाना चाहते हो तो वही 2-4-5 सेकंड में आप आंसर दे सकते हो। सो मान के करोगे तो आगे आगे बढ़ोगे तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट होती जाएगी। तो हम सो मान के क्वेश्चन को नहीं बनाएंगे, मान लेते हैं आय को या तो एक्स मान के करेंगे या फिर रेशियो मेथड से करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम रेशियो मेथड। यदि हम रेशियो मेथड से इस क्वेश्चन को बनाना चाहे तो हम सबसे पहले क्या बोला था कि 20% खर्च करता है। सबसे पहले अपने को बोला गया था कि 20% खर्च करता है, तो टोटल परसेंट कितना था, 20%। तो 20% की फ्रैक्शन बना लो, 20% खर्च करता है तो 20% की फ्रैक्शन बना लो। और 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, फ्रैक्शन का मतलब हमने समझा था कि 20 में किसका भाग दे दिया जाए, भी 100 का भाग दे दिया जाए। परसेंट के चिन्ह को उठाएंगे, 100 का भाग देंगे, फ्रैक्शन में चेंज हो गई। 20 से काटने पर एक बार कटेगा, 20 से काटने पर 5 बार कटेगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/5। तो 20% की फ्रैक्शन हो जाएगी 1/5। तो 20% की हमने फ्रैक्शन बना दी। अब आगे क्वेश्चन क्या बोला था, शेष का 15% पुस्तकों पर, तो अपने को 15% की फ्रैक्शन बनानी पड़ेगी। तो 15% की हम फ्रैक्शन बनाते हैं तो हम ये बोल देंगे भाई 15 में किसका भाग दे दिया जाए, 100 का भाग दे दिया जाए। 100 का भाग दे के काट देंगे, 5 से काटने पर 3 बार कटेगा और 5 से काटने पर 20 बार कटेगा। तो हमने 15% की फ्रैक्शन बनाई। 15% की फ्रैक्शन कितनी होगी,
3/20, 15% की फ्रैक्शन बनाएंगे तो हो जाएगी 3/20, इसकी फ्रैक्शन बना दी। आगे क्वेश्चन में बोला गया था कि शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है, अब 30% की अपने को फ्रैक्शन बनानी पड़ेगी, तो शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है तो इसका 30% की फ्रैक्शन बना लो भाई। अब 30% की फ्रैक्शन बनाने का मतलब अपने को 30 में किसका भाग देना पड़ेगा, 100 का भाग देना पड़ेगा, 10 से 10 हमने कैंसिल कर दी, तो 30% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, 3/10। सबसे पहले हम लोगों ने काम किया कि जो भी परसेंटेज वैल्यू थी उसको फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। अब फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद में देखो क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करनी है, अब क्वेश्चन की शुरुआत करनी है यहाँ पे दो शब्दों का आपको ध्यान रखना है, एक तो अपने को आय लेनी है, एक लेनी है अपने को बचत। जब भी शेष का कोई क्वेश्चन आए, एक जगह अपने को आय लेनी है, एक जगह लेनी है अपने को बचत, तो हम ये बोल देंगे कि आय का और बचत का रेशियो निकाल लेते हैं, आय का और बचत का रेशियो निकाल लेते हैं, तो आय और बचत का रेशियो निकालेंगे, आय और बचत का रेशियो निकालेंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि सबसे पहली फ्रैक्शन कितनी थी, सबसे पहली फ्रैक्शन थी 1/5। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यदि अपने पास में कुल 5 रुपए होते या आपने 5 रुपए कमाए होते, यदि 5 रुपए कमाए होते तो 5 रुपए में से आपने कितने का खर्चा किया होता, 1 रुपए का, 5 रुपए कमाए होते 1 रुपए का खर्चा किया होता तो बचाए कितने होते, 4 रुपए, तो आपकी आय तो कितनी होगी, 5 रुपए, 5 रुपए में से 1 रुपए का खर्चा किया तो बचत कितनी हो जाएगी, 4 रुपए की। इतना काम हमने कर दिया। आगे क्वेश्चन में अपने को बोला गया था कि 15% की फ्रैक्शन हमने बनाई थी, तो इससे मतलब क्या था, इससे मतलब यह था कि यदि आपने 20 रुपए कमाए, यदि आपने 20 रुपए कमाए तो आय कितनी होगी आपकी, 20। अब 20 रुपए कमाए तो आपने 3 रुपए का खर्चा कर दिया, 3 रुपए का खर्चा कर दिया तो इसका मतलब बचाए कितने होंगे, 17 रुपए बचाए होंगे। इतना काम भी हमने कर दिया। आगे वाले स्टेटमेंट से क्या था कि 30% का मतलब क्या हुआ कि यदि आपने 10 रुपए कमाए होते, यदि आपने 10 रुपए कमाए होते तो उसमें से खर्चा कितने रुपए का होता भाई, 3 रुपए का, 3 रुपए का खर्चा होता तो बचत कितने की होनी चाहिए थी, 7 रुपए की बचत होनी चाहिए थी। तो रेशियो मेथड में सबसे पहले हमने क्या किया, फ्रैक्शन में चेंज किया, फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद में आय का और बचत का रेशियो लिख दिया। इतना काम हमने कर दिया। अब आपको पता चल गया है कि जो आगे वाली संख्या है वो किसका रेशियो था, आय का था, और पीछे वाली संख्या है वो किसका था, बचत का, तो आय को एक ओर लेते जाएंगे, बचत को दूसरी ओर। तो आय की बात करें तो इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे, इन सभी का मल्टीप्लाई किया तो 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 20 से, 5 का मल्टीप्लाई किया 20 से, और उसका भी मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 10 से, तो 5 का मल्टीप्लाई किया 20 से, तो हम बोल सकते हैं कि 5 × 20 × 10 ये रेशियो किसका हो जाएगा, आय का, ये रेशियो हो गया आय का। अब बचत का रेशियो देखेंगे तो बचत का रेशियो का मतलब इनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 × 17 × 7। इतना काम आपने कर दिया। आप मल्टीप्लाई करके भी इसको लिख सकते हो, और मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी, तो आपको इनको अभी मल्टीप्लाई नहीं करना है, अभी इतना ही काम करना है। अब अपने को क्वेश्चन में क्या बोला गया था, क्वेश्चन में ये बोला गया था कि अब उसके पास में 9,520 रुपए बचते हैं, बचते हैं इसका मतलब क्या हुआ, बचत हो गई, तो बचत कितनी दे रखी है, 9,520 रुपए। यदि बचत दे रखी है तो बचत के बराबर करो, यदि खर्चा दे रखा हो तो खर्चे के बराबर करो, यदि आय दे रखी हो तो आय के बराबर करो। तो अपने क्वेश्चन में क्या दे रखी थी, बचत दे रखी थी, बचत कितने की दे रखी है, तो क्वेश्चन में बोला गया था कि बचत दे रखी है कितने की दे रखी थी, 9,520। तो आपने इस वाली बचत के बराबर कर दिया 9,520। अब आपको काटना है, यदि मल्टीप्लाई करके लिखते तो थोड़ा सा हार्ड हो जाता, तो अपने को मल्टीप्लाई नहीं करना था, अपने को सीधा काम करना था। देखो काट देते हैं इसको, यदि सबसे पहले मैंने किससे काटा, 7 से, यदि मैं इसको 7 से काटता हूं, 7 से काटता हूं तो 1 बार आएगा, फिर भाग जाएगा 25 हो जाएगा, 3 बार जाएगा, फिर 4 × 42 कितनी बार जाना चाहिए, 6 बार जाना चाहिए, और 0 कितना हो जाएगा, 136 0, मतलब 1360 हो गया। आगे चलोगे तो ये कटेगा, 4 से काट देते हैं, देखो 4 से काटने पर कितनी बार कटेगा, 3 बार, 4 से काटने पर 4 बार, और 4 से काटने पर 0, इसका मतलब 340 बार कट जाएगा। इसी प्रकार हम 17 से काटते हैं, यदि इसको 17 से काटते तो कितनी बार कटेगा, 20 बार, तो हमने काट दिया 17 से, कितनी बार कट गया, 20 बार। तो अपने पास में 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 20। यदि 1 यूनिट की वैल्यू 20 है तो अपने को आंसर किसका बताना था, आय, उसकी मासिक आय कितनी है, मासिक आय का रेशियो क्या था, ये वाला रेशियो था, तो इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इस पूरे का मल्टीप्लाई, इस आय का मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 1 यूनिट से, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी थी, 20, तो इसका मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 20 से। तो आप इन सबका मल्टीप्लाई कर सकते हो, इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को पता चल गया कि यहाँ 5 × 20 से किया कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। 5 × 20 से 100 हो गया, 100 × 10 से कितना होना चाहिए, 1000 होना चाहिए, 1000 × 20 से तो आंसर कितना होना चाहिए, 20,000।
तो आपने रेशियो मेथड से बनाया तो इसका आंसर हो गया 20,000। रेशियो मेथड में आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी आपकी परसेंट वैल्यू है उसको आपको सबसे पहले फ्रैक्शन में बनाना है, और फ्रैक्शन में बनाने के बाद में आपको आय और बचत का रेशियो बनाना है। आय और बचत का रेशियो बनाने के बाद आय वाले को अलग से मल्टीप्लाई करना है, बचत वाले को अलग से मल्टीप्लाई करना है, और बचत दी हुई है तो बचत को बचत के बराबर करना है, और बचत को बचत के बराबर करने के बाद में आपको एक यूनिट की वैल्यू निकालनी है। एक यूनिट की वैल्यू इसमें कितनी आ गई, 20 आ गई। एक यूनिट की वैल्यू 20 है तो आपको क्या बतानी थी, आय। आय का मतलब आपको इस सारे की वैल्यू बतानी थी, इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई किससे करना था, 20 से। 20 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर कितना आएगा, 20,000। अब रेशियो मेथड से आपने क्वेश्चन को बनाया, अब इसी क्वेश्चन को बनाते हैं हम बेसिक तरीके से। बेसिक तरीके से मतलब जब भी शेष का शब्द आए या बची हुई आय का शब्द आ जाए तो आपको क्वेश्चन को 100 मान के बनाना है। तो देखो इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से बनाते हैं। यदि इस क्वेश्चन को हम बेसिक तरीके से बनाते हैं या एक्स मान के बनाते हैं तो आपका क्वेश्चन होता 2-4-5 सेकंड में। देखो कैसे, मान लेते हैं कि उस व्यक्ति की कुल मासिक आय है, उस व्यक्ति की कुल मासिक आय है एक्स रुपए। मान लेते हैं कि उस व्यक्ति की कुल मासिक आय थी एक्स रुपए। आपने मान ली कि व्यक्ति की कुल मासिक आय है एक्स रुपए। आपको सबसे पहले बोला गया था कि 20% अपनी घरेलू आवश्यकताओं पर खर्च करता है, 20% घरेलू आवश्यकताओं पर खर्च कर दिया। तो 20% खर्च करेगा तो कितना परसेंट बाकी रह गया, 80%। इसका मतलब 20% से मतलब नहीं है कि ये तो खर्चा हो गया, तो बचाएगा कितना, 80%। तो आप क्या निकालोगे इसका, 80%। तो एक्स का 80% आपने निकाला, इतना काम हमने किया कि x का 80% निकाल लिया। आगे बोला था शेष का, तो शेष अपने पास में यही रहेगा। इस शेष का क्वेश्चन में अपने को बोला गया था कि 15% पुस्तकों पर, अब 15% पुस्तकों पर करता है तो आप ये बोलोगे कि 15% भी गया। मैंने आपको बोला गया था कि आपका जो परसेंट होता है हमेशा 100 में से होता है। अब 100 में से परसेंट निकालोगे तो 15% खर्च हो गया, इसका मतलब बचाएगा कितना, 85%। परसेंट हमेशा 100 में से होगा, अब 85% बचाएगा तो इसका कितना परसेंट निकालना पड़ेगा, इसका निकालना पड़ेगा अपने को 85%। तो 85% ही हो गया, इतना काम हमने कर दिया। आगे जो क्वेश्चन में बोल रहा हूं वो भी लिखते जाओ। क्वेश्चन में आपको बोला गया था 30% कपड़ों पर खर्च करता है, अब 30% कपड़ों पर खर्च करता है तो इसका मतलब अब बचाएगा कितना, तो परसेंट हमेशा 100 में से फिर कितना परसेंट रह जाएगा, 70%। तो फिर आपको निकालना है 70%, इतना काम हमने कर दिया। और ये सारी अपने पास में क्या आ गई, बचत आ गई, क्योंकि खर्चे को हटा दिया तो इसके मतलब क्या रह गया, बचत। और बचत क्वेश्चन में कितनी दे रखी थी, तो क्वेश्चन में अपने को बोला गया था कि बचत कितनी होनी चाहिए, 9,520 रुपए होनी चाहिए। बचत होनी चाहिए थी 9,520 रुपए। अब अपने को x की वैल्यू निकालनी थी, अब x की वैल्यू अपने को निकालनी है तो इसकी कैलकुलेशन बनानी है। कैलकुलेशन में हम ये बोल सकते हैं कि बराबर के इधर संख्याओं को काटोगे, एक बराबर के आगे पीछे की संख्याओं को काटते हो तो ऊपर की संख्या ऊपर से कैंसिल होती है, नीचे की संख्या नीचे से, और यदि बराबर के एक ही ओर संख्याओं को काटते हो तो ऊपर नीचे की संख्या आपस में कैंसिल हो जाती है। तो हम यहां से ये बोल सकते हैं कि 10 यहां पे है तो 10 ये वाली कैंसिल हो गई, 10 यहां भी थी तो 10 ये वाली भी कैंसिल हो गई। हम यहां पे ये बोल सकते हैं कि भाई देखो यहां से 5 से काट देंगे, 5 से काटने पर कितनी बार कटेगा, 17 बार, और इसको 5 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 20 बार। हमने इनको भी काट दिया। आगे चलेंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई इसको भी काट देते हैं, देखो इसको किससे काट सकते हैं, 4 से काट सकते हैं, 4 से काटने पर 2 बार कटेगा, इसको 4 से काटेंगे तो 5 बार कटेगा, इसको भी हमने कैंसिल कर दिया। आगे चलेंगे तो हम ये बोल सकते हैं, अब आगे इसमें तो कुछ नहीं कट रहा लेकिन ये 2 से कट रहे हैं, 2 से काटने पर कितनी बार कटेगा, तो ये कटेगा 50 बार, 2 से भी हमने कैंसिल कर दिया। अब हम क्या कर सकते हैं कि बराबर के आगे पीछे भी संख्याओं को काट सकते हैं, लेकिन बराबर के आगे पीछे ऊपर की संख्या ऊपर से कैंसिल होती है, नीचे की संख्या नीचे से कैंसिल होती है, तो ऊपर नीचे की संख्या कैंसिल, आगे ऊपर की संख्या ऊपर से कैंसिल कर देते हो तो 7 से काटेंगे इसको, 7 से काटेंगे तो ये कटेगा 1 आ गया, फिर कितना बनेगा, 2, 5 मतलब 25 हो गया, कितनी बार कटना चाहिए, 3 बार, 21 हो गया, 4 से इस बचेगा कितनी बार भाग जाएगा, 6 बार, और 0 मतलब 1,1360 हो गया। इसी प्रकार हम किससे काट सकते हैं, 17 से, यदि इसको 17 से काटेंगे तो 17 से काटने पर अपने को पता चल गया कि ये पूरा पूरा कटेगा, कितनी बार करना चाहिए, 80 बार, 17 से भी हमने काट दिया। x की वैल्यू बतानी थी, अब x की वैल्यू बतानी है तो हमें पता चल गया कि बराबर में क्या आएगा, 80 ऐसे कैसे आएगा, बराबर वाली संख्या ऐसे कैसे रहेगी, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये बराबर वाला ऐसे कैसे आ गया, अब यहां से ये उठेगा, ये दूसरी ओर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये 50 नीचे था ऊपर जाएगा, इसका मतलब मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 50 का मल्टीप्लाई 80 से, और ये 5 भी ऊपर जाएगा तो इसका मल्टीप्लाई भी हो जाएगा यहाँ पे, इतना काम आपने कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको क्या करना था, सभी का मल्टीप्लाई करके लिखना था, यदि सभी का मल्टीप्लाई करते तो हमें पता चल गया कि यहाँ 5 का गुणा 5 से क्या कितना हो गया,
25 हो गया, 25 का मल्टीप्लाई 8 से किया कितना हो जाएगा 200, तो ये हो गया 200 और यहाँ पे दो जीरो पहले से थी, तो अपना आंसर कितना बनने वाला था 20,000। तो क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा 20,000। तो आप रेशियो मेथड से बनाओगे तो भी अपना आंसर 20,000 है, रेशियो मेथड से नहीं बनाना चाहते हो आप एक्स मान के करोगे तो भी आपका आंसर एक ही लाइन में आ जाएगा, आप आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हो। जैसा क्वेश्चन में बोल रहा है उस हिसाब से काम करते जाओ, आपके अच्छे से अच्छे लेवल के क्वेश्चन कंप्लीट हो सकते हैं। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, ऐसा ही एक और क्वेश्चन लेते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 4% एक अनाथालय को दान कर देते हैं, 4% आपने दान कर दिया। आगे क्वेश्चन में बोला गया था तथा शेष आय का, शब्द अभी भी आए शेष आय का जब भी क्वेश्चन आए तो आप या तो रेशियो मेथड से क्वेश्चन को सोल्व कर दो, और रेशियो मेथड से क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना चाहते हो तो आप क्वेश्चन को एक्स मान के भी कर सकते हो। तो क्वेश्चन को यदि एक्स मान के करते हैं तो आप क्या बोलोगे, पहले एक्स का 96% रहेगा, फिर एक्स का 90% रहेगा, और इसके बराबर में कितना आना चाहिए 10,800। तो सबसे पहले हम करते हैं रेशियो मेथड से, यदि क्वेश्चन को रेशियो मेथड से बनाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने को क्या बोला गया था कि 4% है। अब ये 4% आपने क्या कर दिया, दान कर दिया, 4% दान कर दिया, उसके बाद में आपने फिर से खर्चा कर दिया, बैंक में जमा करवा दिया, बैंक में जमा करवा दिया कितना 10% जमा करवा दिया, दान कर दिया 4% और बैंक में जमा करवाया 10%। अब 4% की यदि फ्रैक्शन बनाना चाहिए तो अपने को पता है कि 4 में किसका भाग देना पड़ेगा, 100 का भाग देना पड़ेगा, तो इसकी फ्रैक्शन बनेगी 4 से काटने पर 1 और 4 से काटने पर 25। इसका मतलब 4% की फ्रैक्शन कितनी होनी चाहिए 1/25, 4% की फ्रैक्शन बनाएंगे 1/25 हो जाएगा। आगे चलोगे तो अपने को 10% की फ्रैक्शन बनानी पड़ेगी, 10% की फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ कि 10 में किसका भाग देना पड़ेगा 100 का, 10 से 10 कैंसिल, तो इसकी फ्रैक्शन कितनी होनी चाहिए 1/10। ये फ्रैक्शन आपको सीधी याद होनी चाहिए थी। अब आप क्या करोगे कि अपने को वही सारी चीजें करनी है जो पिछले वाले क्वेश्चन में किए, क्योंकि शेष का क्वेश्चन है, तो हम ये बोल सकते हैं कि अपना रेशियो बनेगा वो किसका बनेगा, आय का बनेगा, और आय के साथ में किसका बनेगा बचत का, आय का और बचत का अपने को रेशियो बनाना है। जब भी शेष का शब्द आ जाए तो आय का और बचत का अपने रेशियो बनाना है। अब आय और बचत का रेशियो बनाया तो हमने बोला कि यहाँ पे आय कितनी थी 25 रुपए थी, आपने कमाए थे 25 रुपए, तो 25 रुपए में से आपने दान कितने रुपए का कर दिया 1 रुपए का। सबसे पहले दान की बात की थी, दान कर दिया आपने 1 रुपए का, तो कितने रुपए रह गए होंगे 24 रुपए, इतना काम हमने किया। आगे क्वेश्चन में बोला गया था कि आपने यदि 10 रुपए कमाए, यदि आपने 10 रुपए कमाए तो 10 रुपए में से आपने बैंक में कितना रुपया जमा करवाया 1 रुपया जमा करवाया, इसका मतलब आपने कितना रुपया बचा लिया 9 रुपए। अब आपके पास में आय और बचत का रेशियो आ गया, आय और बचत का रेशियो क्या बना, ये तो क्या बनेगी आय बनेगी, ये क्या बनेगा बचत बनेगा, तो आय कितनी हो गई, तो आय आपने बोला कि 25 का मल्टीप्लाई किससे कर दिया जाएगा 10 से, ये हो जाएगी आय। इसी प्रकार बचत क्या हो जाएगी, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इसका मतलब 24 का मल्टीप्लाई किससे कर दिया जाए 9 से, तो आय और बचत का हमने रेशियो निकाल दिया, इतना काम हमने कर लिया, आय और बचत का हमने रेशियो निकाल लिया। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि अब उसके पास में 10,800 रुपए बचे हो, मतलब आपने इतना काम करने के बाद भी बचा लिए कितने रुपए, बचा लिए 10,800 रुपए, यदि बचा लिए तो किसके बराबर होना चाहिए भाई, बचत के बराबर होना चाहिए, तो इसको बचत के बराबर करोगे तो बचत कितनी दे रखी है 10,800 रुपए, ये आपने बचत कर ली 10,800 रुपए की। अब 10,800 रुपए की बचत कर ली, एक की यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो आप ये बोल सकते हो भाई ये से कटेगा, 9 से काटोगे कितनी बार कटेगा 1200 बार कटेगा, 9 से काटने पर 1200 गया, यहाँ पे चलोगे 24 से काटोगे एक बार, और इसको 24 से काटते हो तो ये कटेगा 50 बार, 24 से काटने पर 50 बार कटेगा, तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 50। अब एक यूनिट की वैल्यू 50 है तो आपको किसका बताना था, आय बतानी थी, आय का मतलब 25 × 10 की वैल्यू बतानी थी, तो 25 × 10 का मल्टीप्लाई किससे कर दिया जाएगा भाई 50 से कर दिया जाएगा, तो 10 × 25 का मल्टीप्लाई 50 से कर दो, मल्टीप्लाई करने पर अपने को क्या पता चला कि 25 का मल्टीप्लाई 5 से कितना हो गया 125, तो 125 ये हो गया, 00 यहाँ पे चिपका दो, इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा 12,500। तो आपने रेशियो मेथड से बनाया क्वेश्चन को, तो बचत को बचत के बराबर किया, एक यूनिट की वैल्यू निकाली 50 हो गया, 50 का मल्टीप्लाई इससे कर दिया, आंसर कितना हो जाएगा 12,500। तो इस क्वेश्चन को आपने रेशियो मेथड से बनाया। अब इसी क्वेश्चन को हम बनाते हैं, इसी क्वेश्चन को एक बार हम बनाते हैं एक्स मान के। यदि इसी क्वेश्चन को हम टोटल आय से शुरुआत देते तो हम बोल देते कि मान लो कि अपने पास में कितने रुपए होते हैं x रुपए,
मान लो कि अपने पास में कितने रुपए होते, x रुपए में से आपने दान कर दिया कितना, 4% का। यदि 4% का दान कर दिया तो कितना परसेंट रह गया, 96%। 4% का दान किया है तो कितना परसेंट बचेगा, 96%। तो इसका कितना परसेंट निकालना पड़ेगा, 96% हमने निकाल लिया। अब शेष का बोला है तो आगे आगे बढ़ते जाओ, क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से शेष का कितना बोला था अपने को, 10% खर्चा कर दिया या 10% बैंक में जमा करवा दिया, तो कितना परसेंट रह गया होगा, 90%। 10% फिर आपने बैंक में जमा करवाया तो 10% जमा करवाया तो 90% बचा लिया। और ये बचत क्वेश्चन में अपने को दे रखी थी, कितनी दे रखी थी, 10,800। क्वेश्चन में दे रखी थी 10,800, तो बराबर कर दिया 10,800। कैलकुलेशन बनानी थी, तो कैलकुलेशन में हम क्या बोलेंगे, ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या कैंसिल हो सकती है जब बराबर के एक ही और संख्या हो। अपने कैंसिल कर दिया, यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो अपने को पता चल रहा है कि ये 4 से कटेगा कितनी बार कटेगा, 24 बार कटेगा, और ये 4 से कटेगा कितनी बार कटेगा, 25 बार। इतना काम हमने कर दिया। यहाँ पे ध्यान से देखा तो अपने को ये बराबर की संख्या ऊपर से ऊपर कैंसिल हो सकती है, तो अपने को पता है कि ये 9 से कटेगा कितनी बार कटेगा, 1200 बार कटेगा। और अपने को ये भी पता है कि 24 से कटेगा कितनी बार कटेगा, 50 बार कटेगा, ये कटेगा 50 बार। इतना काम हमने कर दिया। अब इस 50 का मल्टीप्लाई होना था, तो 50 का मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से संख्या को उठाएंगे, ऊपर जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहां से उठेगा 10, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां से उठेगा 25, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन सभी का यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो अभी मल्टीप्लाई किया था कितना आया था, 12,500। तो इन सभी का मल्टीप्लाई करते ही आएगा आंसर 12,500। तो ये इससे क्वेश्चनों को हम दो तरीके से कर सकते हैं, आप कर सकते हो रेशियो मेथड से, आप बनाना चाहते हो तो आप बोल सकते हो एक्स मान के भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, और चाहो तो आप क्वेश्चन को 100 मान के भी कर सकते हैं। अब ऐसे ही अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3, देखिएगा क्वेश्चन अपने को बोल रहे हैं कि मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन का 30% अपनी पत्नी को दे दिया, शेष धन का, वही शब्द आ गया शेष का या बची हुई आय का, जब भी शब्द आता है तो हम रेशियो मेथड से क्वेश्चन को बना सकते हो या फिर आप बना सकते हो एक्स मान के। सबसे पहले फिर से हम रेशियो मेथड से देखेंगे, तो रेशियो मेथड से यदि हम क्वेश्चन को करते हो तो 30% की फ्रैक्शन बनाएंगे, और 30% की फ्रैक्शन बनाना आपको आता होगा, तो 30% की फ्रैक्शन क्या होती है, 30% की फ्रैक्शन का मतलब 30 में 100 का भाग देना पड़ेगा, तो ये कितनी आ जाएगी, 3/10। 30% की फ्रैक्शन बनाएंगे इसका मतलब कितना हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा, तो 30% की फ्रैक्शन हो गई। अब आप क्या बोलोगे, शेष धन का आधा दे देते हैं पुत्री को, अब आधा देते हैं, आधा का मतलब क्या हो गया, या तो 50% बोल सकते हो या फिर आप सीधा सीधा ही बोल दे सकते हो कि कितना, 1/2, या आपको कितना देना पड़ता है, 1/2 आधा देता है, इसका मतलब कितना देता होगा, 1/2। इतना काम आपने कर दिया, क्वेश्चन में आपको बोला था कि पुत्री को देता है आधा, आधा का मतलब कितना देता होगा, 1/2 देता होगा। आगे बोला था कि बचे हुए धन को अपने पुत्रों में बराबर बराबर बांट देता है, बचे हुए धन को अपने पुत्रों में बराबर बराबर बांटता है, एक पुत्र को कितने मिलते हैं, 14,000 रुपए मिलते हैं, और पुत्र कितने हैं, कुल मिला के 5 है। तो हम रेशियो मेथड से करेंगे तो आप क्या बोलोगे, एक तो क्या हो जाएगी उसकी संपत्ति, संपत्ति का मतलब क्या हो जाएगी, उसकी कुल मिला के आय, उसकी कुल मिला के आय हो जाएगी, और एक क्या मिलेगा, पुत्रों को मिलेगा, पुत्रों को क्या मिलेगा, बचा हुआ मिलेगा, तो बचा हुआ को क्या बोल सकते हैं, हम बचत बोल सकते हैं, बचे हुए को क्या बोल सकते हैं, बचत। तो आय और बचत का हम रेशियो निकाल लेते हैं, आय और बचत का हम रेशियो निकालेंगे तो हम ये बोलेंगे कि उसके पास यदि 10 रुपए होते, यदि उसके पास में 10 रुपए होते तो पत्नी को कितने रुपए दे देता, 3 रुपए, तो बचाता कितना, 7 रुपए, तो 7 रुपए बचा लेता। आगे बोला गया था शेष का पुत्री को देता है, पुत्री को कितना देता है, आधा देता है, आधा देने का मतलब क्या हुआ, यदि उसके पास में 2 रुपए होते तो 2 रुपए में से वो पुत्री को कितना देता, 1, तो बचाता कितना, 1 रुपया बचाता। इतना काम हमने कर दिया। अब आगे हम क्या करेंगे कि आय का टोटल रेशियो निकाल लेते हैं, तो ये कितना बनेगा, ये हो जाएगा 20, इनका मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे देखते हैं तो ये कितना हो जाता, 7, तो रेशियो कितना बनता, 20:7। इसका मतलब उसके पास में 20 रुपए होते तो पुत्रों के लिए कितने रुपए बच जाते, 7 रुपए बचते। यदि 20 रुपए होते तो पुत्रों के लिए कितने रुपए बचने चाहिए थे, 7 रुपए बचने चाहिए थे। और अपने को बताया कि 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है, अपने को पता है कि 7 रुपए कितने पुत्रों को देना था, 5 पुत्रों को, एक पुत्र को कितने मिलते हैं, 14,000, एक पुत्र को मिलते हैं 14,000 रुपए, एक पुत्र को 14,000 रुपए मिलते हैं तो 5 को कितने मिलने चाहिए, ये वाला मिलना चाहिए, 14,000 का 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 पुत्रों को कितने मिलने चाहिए थे, 17,000 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ कि 7 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होनी चाहिए, 17,000 के।
एक यूनिट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10,000 हो जाएगी। यदि 7 यूनिट की वैल्यू 70,000 है तो एक की कितनी हो जाएगी, 10,000 हो जाएगी। यदि एक यूनिट की वैल्यू 10,000 है तो अपने को क्या पूछा था, उसकी आय, इसका मतलब 20 का मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 10,000 से। 20 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10,000 से, तो अपना आंसर क्या बनेगा, 20 के कितनी जीरो और चिपकानी पड़ेगी, 4 जीरो। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये कितना हो जाएगा, ये कुल मिला के हो जाएगा 2,00,000 रुपए। इसका मतलब उसकी कुल संपत्ति कितनी थी, 2,00,000 रुपए। समझने वाली बात इसमें यह थी कि एक पुत्र को 14,000 रुपए मिलते तो 5 को कितने मिलेंगे, 70,000 रुपए, क्योंकि 7 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 5 पुत्रों के बराबर होगी। 5 पुत्रों को कितने मिलते हैं, 70,000 रुपए, तो एक का मान कितना हो जाएगा 10,000 रुपए, तो 20 का मान कितना हो जाएगा 2,00,000 रुपए। अब इसी क्वेश्चन को हम टोटल से करते हैं या एक्स मान के करते हैं, इसी क्वेश्चन को यदि एक्स मान के करते हैं तो हम एक ही लाइन में आंसर निकाल सकते थे। कैसे निकालेंगे, देखो हम ये बोल देते हैं कि मान लो कि उस व्यक्ति के पास में कितने रुपए होते हैं, x रुपए। मान लेते हैं कि उस व्यक्ति के पास में कितने रुपए होते हैं, x रुपए होते हैं। तो x रुपए में से अपने को बोला गया है कि पहले वो अपनी पत्नी को देता है 30%। यदि 30% वो पत्नी को दे देता है तो कितने परसेंट रह जाएंगे भाई, 70%। यदि पत्नी को 30% देता है तो कितने रुपए बचने चाहिए, 70% रहने चाहिए। इतना काम हमने कर दिया। आगे क्वेश्चन में बोला था कि अपनी पुत्री को देता है शेष का मतलब जो कंटिन्यू काम हो रहा है वो चलाते रहो, शेष का आधा दे दिया, इसका मतलब फिर भी आधा रहेगा, शेष का आधा दे दिया तो फिर कितना रह जाएगा, आधा रह जाएगा। तो आधा हमने कर दिया, और ये आधा देने के बाद में ये किसको मिलेगा, पुत्रों को मिलेगा। पुत्रों को बोला गया कि पुत्रों को शेष मिलता है तो ये शेष हो गया। एक पुत्र को कितने रुपए मिलते हैं, 14,000 रुपए मिलते हैं। एक पुत्र को 14,000 रुपए मिलते हैं तो कुल मिला के कितने पुत्र थे, 5 थे, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 को कितने मिलेंगे, ये वाला मिलना चाहिए, ये कितना हो जाएगा, 70,000 रुपए। तो 5 को मिलने चाहिए थे कुल मिला के 70,000 रुपए। इतना काम हमने कर दिया। इसकी अपने को कैलकुलेशन बनानी थी, तो कैलकुलेशन में ये बोल सकते हैं कि भाई 10 से 10 कैंसिल। अब ऊपर की संख्या ऊपर से काट सकते हैं, तो यहाँ से 7 से काटने पर कितना आना चाहिए, 10,000। ये हो गया 10,000। अब अपने पास ये 10,000 है, 10,000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि बराबर से पहले 10,000 तो ऐसे कैसे रहेगा, इसका मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 2 से भी करोगे और 10 से भी करोगे, नीचे तक कहाँ पे जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 10 से। इससे अपना काम कर दिया। अब आप क्या करोगे, इनका मल्टीप्लाई करोगे, और इनका मल्टीप्लाई करोगे तो अपने को पता है 2 के कितनी जीरो चिपकानी पड़ेगी, 5 जीरो, और 2 के 5 जीरो चिपकाने का मतलब ये आंसर कितना होता है, 2,00,000 रुपए। तो उस व्यक्ति की कुल संपत्ति कितनी थी, 2,00,000 रुपए। तो आपको पता चला कि जब भी शेष का कोई क्वेश्चन आता है, तो आप क्वेश्चन को बोल सकते हो कि हम रेशियो मेथड से बनाए, या फिर हम क्वेश्चन को एक्स मान के सोल्व कर ले, या फिर क्वेश्चन को सो मान के सोल्व कर ले। तो अपना जो तरीका है एक्स मानने वाला, उसमें 2-4-5 सेकंड में आप कैलकुलेशन बना सकते हो। यदि आप रेशियो मेथड से करोगे तो 4-5 सेकंड में आप उसको सोल्व कर सकते हो। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन लेंगे क्वेश्चन नंबर चार लगाइए सर। क्वेश्चन नंबर 4, अजय अपने वेतन का 25% किराए पर, 5% खाद्यान्न पर, 15% यात्रा पर और 10% कपड़ों पर खर्च करते हैं। अब आपको क्वेश्चन में शेष का शब्द नहीं बोल रहा है। अब क्वेश्चन हो गया बिल्कुल सिंपल सा, क्वेश्चन को देखना था, आंसर बताना था। शेष का शब्द नहीं है, यदि शेष का है तो हम एक्स मान के कर सकते हैं, या फिर रेशियो मेथड से कर सकते हैं, या फिर सो मान के कर सकते हैं। लेकिन अब की बार शेष का नहीं है, इसका मतलब क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है। अब क्वेश्चन सिंपल सा है तो हम क्या बोल सकते हैं कि आपने खर्चा किया, सबसे पहले खर्चा कितना का कर दिया, 25%। सबसे पहले खर्चा किया था 25%, तो 25% तो ये खर्च हो गया आपका, 25% ये खर्चा हो गया। आगे बोला गया था कि 5% खाद्यान्न पर, 5% खाद्यान्न पर, तो 5% ये भी आपने खर्च कर दिए। इतना काम कर दिया। शेष का नहीं बोला है, सिंपल क्वेश्चन बोला है। आगे बोला गया था कि आपको 15% यात्रा पे खर्च करना पड़ेगा, तो यात्रा पे खर्च हो गया 15%, ये काम भी कर दिया। आगे क्वेश्चन में अपने को बोला गया था 10% कपड़ों पर, तो कपड़ों पर क्या गया था, 10%, ये लो ये खर्चा हो गया। तो टोटल मिला के कितना खर्चा हो गया वो देख लो। तो टोटल मिला के हम ये बोलेंगे कि इनका योग कर लेते हैं, ये टोटल खर्चा हो गया। तो टोटल खर्चा कितना हो गया, यहाँ पे 25 और 5 हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 और 15 हो जाएगा 45, 45 और 10 हो जाएगा 55%। इसका मतलब आपने कितने का खर्चा कर दिया, 55% का। यदि आपने 55% खर्चा कर दिया, तो शुरू में हमने यही बात की थी, यदि आपने 55% खर्चा कर दिया तो बचाएगा कितना, 45%। 100 में से आपने 55 रुपए खर्च कर दिए तो बचाए कितने,
45%, तो 45% आपकी हो गई बचत, 45% की बचत हो गई। 45% बराबर क्वेश्चन में बोला था, 45% बराबर क्वेश्चन में कितना बोला था कि 27,000 रुपए की बचत होती है। 45% बराबर क्वेश्चन में बोला गया था कि 27,000 रुपए की बचत होती है। यदि हम इसको काटते हैं, 45 से काटेंगे 1% आ जाएगा, तो 1% की वैल्यू आएगी, इसको भी 45 से काटना पड़ेगा। और यदि इसको मैं 45 से काटता हूं तो ये कितना हो जाता है, 600। तो आपने बोला कि 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 600। अब 1% की वैल्यू 600 है तो अपने को कितने परसेंट की वैल्यू बतानी है, कुल आय के लिए 100% की वैल्यू बतानी है। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, हम ये बोल सकते हैं कि 600 था, 2 जीरो यहाँ पे चिपकाई तो 2 जीरो यहाँ पे भी लगानी पड़ेगी, 2 जीरो यहाँ पे लगाई तो अपना आंसर कितना होना चाहिए, 60,000। तो ये क्वेश्चन सिंपल था। आपने बोला कि शेष का आएगा तो हम एक्स वगैरह से करेंगे, रेशियो मेथड से करेंगे, लेकिन सिंपल क्वेश्चन आए तो सिंपल सा खर्चे को ऐड कर दो। ऐड किया तो कितना हो गया, 55% हो गया। तो बचत कितने की होगी, 45% की। 45% बराबर क्वेश्चन में दे रखा था 27,000 रुपए, 1% की वैल्यू निकाली 600 हो गई, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 60,000 रुपए होगी। यदि इसी क्वेश्चन में अपने को ये पूछ लेता, इसी क्वेश्चन में अपने को पूछ लेता कि कपड़ों पर किया गया खर्चा बताइए, कपड़ों पर किया गया खर्चा बताइए, तो हम बोल देते कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 600 है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 600 है, और कपड़ों पर किया गया खर्चा कितना परसेंट था, 10%। तो 600 का मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 10% से, आंसर कितना होता, 6,000। यदि क्वेश्चन में आपको पूछ लेता भाई यात्रा पर किया गया खर्चा बताइए, यदि क्वेश्चन में पूछ लेता यात्रा पर किया गया खर्चा बताइए, तो एक यूनिट की वैल्यू या 1% की वैल्यू कितनी थी, 600 थी। तो अपने को पूछा था 15% की कितनी होगी, तो 15% का मल्टीप्लाई 600 से करोगे, 15 का मल्टीप्लाई 600 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 9,000। यदि इसी क्वेश्चन में अपने को पूछ लेता, इसी क्वेश्चन में अपने को पूछ लेता कि किराए पर किया गया खर्चा बताइए, तो किराए पर किया गया खर्चा का मतलब यह था कि 600 का मल्टीप्लाई किससे कर देते, 25 से, 600 का मल्टीप्लाई कर देते 25 से, तो अपना आंसर आ जाता 15,000 रुपए। तो हमें जो भी क्वेश्चन पूछे हम सारे क्वेश्चनों के जवाब दे सकते हैं। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। इससे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन में बोला गया है एक कॉलेज के सभी छात्रों में 12% छात्रों की रुचि खेलों में, जो खेलों में रुचि रखते हैं वो कितने परसेंट होने चाहिए, 12%। 12% की रुचि किसमें थी, खेलों में, तो खेलों वाले कितने होने चाहिए, 12% होने चाहिए। अभी शेष का नहीं बोलना है, इसका मतलब सिंपल क्वेश्चन है। तो आगे क्या बोला गया था कि कुल छात्रों के 10% की रुचि है, 10% की रुचि किसमें थी भाई, नृत्य में। क्वेश्चन में बोला कि 10% की रुचि होनी चाहिए, वो किसमें बोली गई थी, सॉरी 10% की रुचि है गायन में, गायन में बोला गया था। आगे बोला गया था कि कुल छात्रों के 3/4 की रुचि, अब 3/4 बोल दिया, 3/4 का मतलब कितना हो गया, 3/4, 3/4 की रुचि किसमें थी, नृत्य में थी। और आपको ये बोला गया कि 15 छात्र ऐसे हैं जिनकी रुचि किसी में नहीं है, किसी भी गतिविधि में उनकी रुचि नहीं है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कितने छात्र ऐसे हैं जिसकी रुचि किसी ना किसी में है, किसी ना किसी खेल में है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये 12% था, ये 10% है, लेकिन ये किस में आ गया, भिन्न में। तो भिन्न को हम परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं, और परसेंटेज में चेंज करने का तरीका क्या होता है कि 100 से मल्टीप्लाई कर दो, किस में चेंज हो जाएगा, परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 से काटने पर कितना हो जाएगा, 25, और 25 का मल्टीप्लाई 3 से किया कितना परसेंट होना चाहिए, 75%। तो हम ये बोलेंगे कि 75% छात्र ऐसे थे जिनकी रुचि किस में होनी चाहिए, नृत्य में होनी चाहिए। तो हमने बोला कि 12% भी रुचि वाले हैं, 10% भी रुचि वाले हैं, 75% भी रुचि वाले हैं, तो कितने परसेंट ऐसे हो गए जिनकी रुचि है। तो हमने बोला कि इन सभी को ऐड कर लेते हैं, इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 97%। तो हम ये बोलेंगे 97% विद्यार्थी ऐसे हैं जिनकी रुचि किसी ना किसी में है। तो 97% की रुचि है तो कितने परसेंट की रुचि नहीं होनी चाहिए, 3% की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि परसेंट 100 में से होता है। तो 3% विद्यार्थी ऐसे रहेंगे जिनकी रुचि किसी में नहीं होगी, और 3% की रुचि किसी में नहीं है, ये संख्या अपने को दे रखी कितने के बराबर होनी चाहिए, 15 के। 3% की रुचि बराबर कितना है, 15 विद्यार्थी। तो 1% का मान हम निकाल सकते हैं, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 15 में 3 का भाग दे दो कितना हो जाएगा, 5। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अपने को क्या पूछा था कि कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए, तो कुल कितने होंगे, 100%। तो अपने को वैल्यू किसकी बतानी थी, 100% की। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500 हो जाएगी। तो 100% बराबर हो गए 500, इसका मतलब विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी थे, 500। यदि इसी क्वेश्चन में अपने को ये पूछ लेता, इसी क्वेश्चन में अपने को ये पूछ लेता भाई आप ये बताइए कि खेलों में रुचि वाले कितने विद्यार्थी हैं, जो खेलों में रुचि लेते हैं वो कितने विद्यार्थी हैं, तो हम क्या बोलते हैं भाई, 1% का मान कितना था, 5, और खेलों वाले कितने थे, 12%। तो 5 का मल्टीप्लाई 12 से कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 60।
यदि इसी क्वेश्चन में अपने को ये पूछ लेता कि गायन में कितनी रुचि लेते हैं, तो गायन में कितने रुचि लेते हैं, तो हम ये बोलते 10% का मान बताइए, 10 का मल्टीप्लाई 5 से कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। यदि क्वेश्चन में ये पूछ लेता कि आप ये बताइए कि जो आपके जो रुचि लेते हैं नृत्य में वो कितने हैं, तो 75 का मल्टीप्लाई किससे कर दीजिए, 5 से, अपना आंसर आ जाएगा। तो इन क्वेश्चनों में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जो पहले 5 क्वेश्चन किए हैं उनमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं। एक कंपनी को बॉल बेयरिंग की 2 किस्तें मिलती है, किस्तें होनी चाहिए 2, आपको बोला गया था 2 किस्तें मिलती है। आगे बोला था दूसरी किस्त पहली किस्त से दोगुनी है, जो दूसरी किस्त होनी चाहिए वो पहली किस्त से दोगुनी होनी चाहिए। तो किस्तें कितनी हो गई, 2 हो गई, एक हो गई पहली किस्त, एक हो गई दूसरी किस्त। तो हम भाई पहली किस्त बना लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं दूसरी किस्त। 2 किस्तें थी गोल बेयरिंग की, 2 किस्तें हैं, एक पहली किस्त है एक दूसरी है। क्वेश्चन में बोला गया था कि जो दूसरी किस्त है वो पहली से दोगुनी है। पहली से दोगुनी का मतलब क्या हुआ, यदि पहली किस्त 1 रुपए की होती है तो दूसरी किस्त कितनी की होनी चाहिए, 2 रुपए की। आगे यदि हम ये बोलते हैं यदि पहली किस्त 100 रुपए की मानते तो दूसरी कितनी होती, 200 रुपए की, दोगुनी होनी चाहिए। यदि पहली किस्त 400 रुपए की मानते तो दूसरी किस्त होनी चाहिए 800 रुपए की। यदि पहली किस्त 1000 रुपए की मानते तो दूसरी कितनी होनी चाहिए, 2000 रुपए की। यदि पहली किस्त में एक्स की मानता हूं तो दूसरी कितनी होनी चाहिए, 2x की होनी चाहिए। पहली किस्त यदि मैं 5x की मानता हूं तो दूसरी कितनी होनी चाहिए, उसकी दुगनी 10x की होनी चाहिए। तो मैं ये बोल सकता हूं कि पहली किस्त यदि मेरे पास में 1 रुपए की है, दूसरी किस्त कितने की होनी चाहिए, 2 रुपए की। पहली किस्त यदि 1 रुपए की है तो दूसरी किस्त कितने की होनी चाहिए, 2 रुपए की। अब आपको बोला गया था कि पहली किस्त में 1% बॉल बेयरिंग खराब हो जाती है, पहली किस्त में खराब हो गई कितने परसेंट हो गई, 1%। पहली किस्त में खराब हुई थी 1%, और दूसरी किस्त में अपने को बोला गया था कि 4.5% खराब हो गई। जो दूसरी किस्त में खराब हुई थी वो कितने परसेंट खराब हुई थी, 4.5%। पहली किस्त में खराब हुई थी 1%, दूसरी किस्त में खराब हुई है 4.5%। अब यहां से अपने को एक बात समझ में आती है, यहां पे परसेंट लगा हुआ है, यहां पे परसेंट लगा हुआ है, परसेंट किस पे निकालते हैं, 100 पे निकालते हैं। अब परसेंट 100 पे निकालते हैं तो मैं ये बोल दूंगा कि ये क्या होना चाहिए था, ये भी 100 होना चाहिए, 100 का मतलब 2-2 जीरो होनी चाहिए थी, तो मैं इसको 100 बनाऊंगा तो कितनी जीरो लगाऊंगा, 2 जीरो। यदि मैंने इसके 2 जीरो लगाई तो यहां भी कितनी जीरो लगानी पड़ेगी, 2 जीरो लगानी पड़ेगी। तो हमने मान लिया कि पहली किस्त में कितनी थी, 100 बॉल बेयरिंग थी, तो दूसरी में कितनी थी, 200 थी, हमने अपने हिसाब से मान लिया। अब अपने को पता है कि 100 का 1% खराब हो गया, 100 का 1% खराब हो गया तो 100 का 1% कितना होता है, 1 ही तो होता है। 100 का 1% खराब हो गया तो 100 का 1% कितना होता है, 1 खराब हो गया। इसका मतलब 100 में से कितनी खराब हो गई, 1 खराब हो गई। इसी प्रकार हम ये बोलेंगे कि 200 में से 4.5% खराब हो गई, तो 4.5% का मतलब क्या था, 4.5% का मतलब था कि ये 100 में से कितनी खराब हो गई, 4.5 खराब हो गई। 100 में से 4.5 खराब हो गई तो अपने को किस में बताना है, 200 में। 200 का मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। यदि 100 में 4.5 है तो 200 में कितनी होनी चाहिए, इसका डबल होना चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 9 खराब होनी चाहिए। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 200 का कितना निकाले, 4.5% निकाले, तो 200 का 4.5% का मतलब क्या हो जाएगा भाई, 4.5 बटा कितना हो गया, 100। या 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 का मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 4.5 से, तो 2 का मल्टीप्लाई 4.5 से करोगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो हमने ये बोला कि पहले में कितनी खराब होगी, 1 खराब होगी, दूसरे में कितनी खराब होगी, 9 खराब होगी। तो दोनों में मिला के, कुल मिला के कितनी खराब होगी, तो हम ये बोलेंगे दोनों में मिला के कितनी खराब होगी, 10 खराब होगी। दोनों में मिला के 10 खराब होगी, और 10 के बराबर क्वेश्चन में यूनिट में दे रखा था अपने को, कितना दे रखा था, तो क्वेश्चन में दे रखा था कि कुल मिला के कितनी खराब होनी चाहिए, 100 खराब होनी चाहिए। अपने हिसाब से 10 यूनिट खराब होनी चाहिए, क्वेश्चन में बोला था 100 खराब होनी चाहिए, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। अब 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, तो अपने को ये पूछा गया था कि पहली किस्त में कुल कितनी बॉल बेयरिंग थी, पहली किस्त में, तो पहली किस्त में हमने कितनी मानी थी, 100 मानी थी, तो 100 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 10 से, तो पहली में कितनी हो जाएगी, 1000। तो पहली किस्त में कुल बॉल बेयरिंग कितनी थी, 1000। यदि क्वेश्चन में पूछ लेता कि दूसरी किस्त में कितनी होगी, तो हम ये बोलते थे कि दूसरी में कितने थे, 200 थे, 200 का मल्टीप्लाई 10 से कर दो, तो आंसर कितना होता, 2000 होता। अपने को इस क्वेश्चन में पूछा गया था पहली किस्त का, तो पहली का पूछा गया था, इसका मतलब हमने आंसर बोल दिया कितना होना चाहिए, 1000। तो पहली किस्त में कितनी खराब होगी, 1000। अब इससे अच्छे लेवल के क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन अपने को ये बोल रहा है कि कोई व्यंजक है,
कोई भी व्यंजक था और व्यंजक अपने को बोला गया है, व्यंजक क्या होना चाहिए, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, ये व्यंजक अपने को दे रखा है। इसमें क्या बोला गया है कि एक एक्स है एक वाई है, एक्स के मान में कमी कर दी है हमने 25% की, वाई के मान में कमी कर दी है 20% की, एक्स में कमी की है 25% की, वाई में कमी की हमने 20% की, तो आपको ये बोला गया है कि व्यंजक के मान में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। तो देखो इसको भी हम दो तरीके से बनाएंगे, एक तरीका अपना क्या रहेगा, एक तरीका यदि आप बोलते हो कि रेशियो मेथड से बनाए तो रेशियो मेथड से बनाते हैं। देखो रेशियो मेथड से बनाते हैं तो क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि x के मान में कमी कर दिए कितने परसेंट की, 25% की, x के मान में 25% की कमी, और y के मान में अपने को बोला गया था कि यहाँ पे क्या कही है 20% की कमी, x के मान में 25% की कमी, y के मान में 20% की कमी। अपने को सबसे पहले फ्रैक्शन बनानी है, और फ्रैक्शन बनाना अपने को आता है कि आप क्या करोगे 25 में 100 का भाग दोगे तो इसकी फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी 1/4, इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी 1/4, इसी प्रकार 20% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी 1/5, 20% की फ्रैक्शन हो जाएगी 1/5, 20 में 100 का भाग दोगे 1/5 आ जाएगा। इतना काम हमने कर दिया, तो आपको ये पता चला कि x के मान में 20% की कमी आ गई, 25% की कमी आ गई, और y के मान में 20% की कमी आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू पहले कितनी थी 4, x की वैल्यू पहले कितनी थी 4 थी, अब 4 में 1 की कमी आ गई, 4 में 1 की कमी आ गई, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई होगी 3, अब x की वैल्यू होगी 3, 4 से कितनी रह गई 3 रह गई। इसी प्रकार आप यहाँ पे देखोगे y के मान में वैल्यू कितनी थी 5 थी, y की वैल्यू कितनी थी 5, अब 5 में 1 की कमी होगी, 1 की कमी होगी तो कितना हो गया होगा 4, इतना काम हमने कर दिया। तो y की वैल्यू रह गई 4, 5 थी अब रह गई 4। अब अपने को बोला गया था कि x कितनी बार आएगा 3 बार, x का क्यूब बोला इसका मतलब x कितनी बार आना चाहिए 3 बार, तो x वाला आएगा 3 बार, इसका मतलब 4:3 कितनी बार आना चाहिए 3 बार, तो 4:3 यहाँ पे भी लिखेंगे 4:3, ये कितनी बार आना चाहिए था 3 बार। इसी प्रकार y वाला कितनी बार आना चाहिए 2 बार, क्योंकि y स्क्वायर दे रखा है, तो y वाला आएगा 2 बार, तो एक बार लिखा हुआ है एक बार और लिख दिया, तो 5:4 कितनी बार आना चाहिए था 2 बार। अब इसका रेशियो मेथड बनाएंगे, रेशियो मेथड में हम क्या करते हैं कि आगे वाले का मल्टीप्लाई कर दे पीछे वाले का मल्टीप्लाई कर देते हैं, रेशियो निकालते हैं। तो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि कट रहा है तो काटे दो, देखो यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पे भी देखो कि 4 से 4 कैंसिल, ये कट रहा था मैंने कैंसिल कर दिया। अब अपने को यहाँ से क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे देखो क्या करोगे कि 5 का मल्टीप्लाई 5 से, 5 का मल्टीप्लाई 5 से क्या कितना हो गया 25, 25 का मल्टीप्लाई 4 से क्या कितना हो गया 100, इसका मतलब पहले वैल्यू कितनी थी 100, अब कितनी हो गई 3 × 3 × 3, 3 का क्यूब कितना होता है 27, तो पहले कितना था 100 था, अब कितना रह गया 27, तो कितना कम हो गया, तो आप बोलोगे 100 से कितना हो गया 27, इसका मतलब कितना कम हो गया 73 कम हो गया, और परसेंट में बता रहे तो परसेंट किस में निकालते हैं 100 पे निकालते हैं, तो 100 पे पहले से ही है तो ये कितने परसेंट की कमी आ जाएगी 73% की, तो क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए था 73%। जो क्वेश्चन में बोला है वो सारा काम करते जाओ, रेशियो मेथड से बनाओगे तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से बना सकते हो। और यदि इसी क्वेश्चन को आप रेशियो मेथड से नहीं बनाना चाहते हो और क्वेश्चन को आप देखते हो तो आपको पता चला है कि डेटा किस में दे रखे हैं परसेंटेज में, अब परसेंटेज में डेटा है परसेंट में आंसर पूछा था, हम क्वेश्चन को 100 मान के भी बना सकते हैं, तो क्वेश्चन को देखो 100 मान के कैसे बनाएंगे, इसी क्वेश्चन को यदि 100 मान के बनाते हैं तो कैसे करेंगे, यदि क्वेश्चन को 100 मान के बनाएंगे तो हम बोल देते हैं कि मान लो कि अपने पास में कितने रुपए थे 100 रुपए, अपने पास 100 रुपए थे, एक्स के मान में हमने कमी कर दी कितने परसेंट की कमी कर दी 25% की, x के मान में 25% की कमी कर दी तो कितना परसेंट रह गया होगा 75%, 25% तो कम हो गया, तो 100 में से 25 कम हो गया तो कितना परसेंट रह गया 75% रह गया, तो 75% बच गया। ये किसके मान में थी x के मान में, x को कितनी बार लिखना था 3 बार, x को 3 बार लिखना है मतलब इसको कितनी बार लिखना है 3 बार लिखना है, तो इसको 3 बार लिख दो 75/100 मल्टीप्लाई 75/100 मल्टीप्लाई 75/100, हमने इसको कितनी बार लिख दिया 3 बार। आगे बोला गया था कि 20% की कमी कर दी, किसमें कर दी है y के मान में, 20% की कमी हो गई तो y कितना रह गया होगा 80%, 20 कम हो गया, 20 कम हो गया तो कितना रह गया 80%, तो इसका 80% निकालोगे, और y को कितनी बार लिखना पड़ेगा 2 बार, इसको लिखेंगे हम 2 बार, ये लो 2 बार लिख दिया, काट देते हैं। यदि काटेंगे तो अपने को पता चल रहा है यहाँ पे देखो 25 से काटने पर 3 बार, 25 से काटने पर 4 बार, 25 से काटने पर 3 बार, 25 से काटने पर 4 बार, 25 से काटने पर 3 बार, 25 से काटने पर 4 बार करते हैं, 20 से काटने पर 4 बार, 20 से काटने पर 5 बार, यहाँ पे चलोगे 20 से काटने पर 4 बार, 20 से काटने पर 5 बार, हमने काट दिया संख्याओं को। यहाँ पे पता चला इस वाले 4 से ये वाला 4 कैंसिल, इस वाले 4 से ये वाला 4 कैंसिल हो गया।
अब यहाँ से अपने को पता चला है कि यहाँ पे देखो 5 का मल्टीप्लाई 5 से कितना हो गया 25, 25 का मल्टीप्लाई 4 से कितना हो गया 100, तो इस वाले 100 से ये वाला सारा 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। तो ऊपर कितना रह गया, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, इसका मतलब 3 का क्यूब कितना होता है 27, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, तो 3 का क्यूब बनेगा अपना 27, ये लो 3 का क्यूब 27। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले मेरे पास में कितना था 100, अब कितना रह गया 27, तो इसका मतलब कितने की कमी आ गई, तो 100 में से 27 कम किया तो कितने परसेंट की कमी आ जाएगी, 73% की, तो कमी होनी चाहिए थी 73% की। तो आज हमने 7 क्वेश्चनों का सोल्यूशन किया, उसमें जो पहले क्वेश्चन किए थे, 2-3 क्वेश्चन आपने किए थे वो सेस्का वाले क्वेश्चन किए थे। सेस्का वाले क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करते हैं, या तो आप रेशियो मेथड से सोल्व कर सकते हो, या फिर आप एक्स मान के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, या फिर आप 100 मान के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। उसके बाद में हमने जो 2-3 क्वेश्चन किए थे वो किए थे जहां पे सेस का शब्द ना लगा हो, जहां पे सेस का शब्द ना लगा हो इसका मतलब वो बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको खर्चे को जोड़ लेना है, खर्चे को ऐड करोगे उसके बाद में क्या रहेगी बचत, और बचत को बजट के बराबर में करोगे 1% का मान निकालोगे तो 100% का मान आएगा। आगे जो हमने क्वेश्चन किए थे बॉल बेयरिंग का क्वेश्चन किया था, उसमें परसेंट दे रखा है, इसका मतलब 100 मान के सोल्व कर सकते हैं। और लास्ट वाला क्वेश्चन एक आया हुआ क्वेश्चन था, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, वो भी हमने सोल्व कर लिया। तो आपका जो रेशियो मेथड है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वहां से हम क्वेश्चन को बनाएंगे तो आसानी से क्वेश्चनों को बना सकते हैं। अब इस वाले वीडियो में यदि आपको कोई प्रॉब्लम रहती है या किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है या आपको लगता है कि इस क्वेश्चन को और किसी तरीके से बनाया जा सकता है तो आप कमेंट में लिख सकते हो। यदि कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।